हेलो सुपर ब्रेन, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सुपर ब्रेन मेमोरी के एक और नए वीडियो पार्ट में। और मैं हूं आपका मेमोरी कोच शक्तिराज अहिर। दोस्तों, पढ़ाई के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस है, आई होप आप कर ही रहे होंगे। और पढ़ाई के साथ साथ हम हमारी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं उसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे कि दोस्तों, शुरुआत में ही इस प्रोग्राम के मैंने आपको कहा था कि ये प्रोग्राम न केवल पढ़ाई में आपको साथ देगा, लेकिन आपकी जिंदगी के हर एक एस्पेक्ट में ये प्रोग्राम आपको बहुत ज्यादा सहायता या तो फिर हेल्प देगा। ऐसे ही दोस्तों, आगे बढ़ते हुए आज हम लोग सीखने वाले हैं एक बहुत ही प्यारे से टेक्निक। इस टेक्निक का नाम है दोस्तों योग मुद्रा टेक्निक। वैसे जब भी नाम योग का आता है तो हम इसको थोड़ा सा प्राणायाम मेडिटेशन से थोड़ा सा जोड़ भी सकते हैं, लेकिन हम जो यहां पर आज जो चीज देखने वाले या तो जो टेक्निक हम लोग देखने वाले, इसका नाम है योग मुद्रा, या तो इसे हम लोग सिंपल भाषा में ज्ञान मुद्रा भी कह सकते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, जब भी कभी हम लोग साधना में बैठते हैं या तो फिर भगवान बुद्ध जब साधना में बैठे हुए होते हैं तो उनके हाथ कुछ इस तरीके से होते हैं, राइट? मतलब उनका थंब जो होता है, थंब ये जुड़ा हुआ होता है इंडेक्स फिंगर से, इंडेक्स जिसको हम लोग हिंदी में तर्जनी भी कहते हैं। मतलब जब कभी भी आप अपने थंब को, मतलब अपने अंगूठे को जोड़ देते हो तर्जनी उंगली के साथ में, मतलब फर्स्ट फिंगर के साथ में, जिसको हम लोग इंडेक्स फिंगर भी कहते हैं, तो ये बन जाता है दोस्तों योग मुद्रा टेक्निक, या तो फिर इसे सिंप्लीफाइड इसका जो नाम है वो है ज्ञान मुद्रा भी। ओके, इसमें हम लोगों ने क्या किया दोस्तों, हमारा अंगूठा जो था, अंगूठे को हम लोगों ने हमारे इंडेक्स फिंगर मतलब तर्जनी उंगली के साथ में जोड़ दिया और तीनों भी उंगलियां हमारी कुछ इस तरीके से स्ट्रेट होगी, तो बन जाती है दोस्तों मुद्रा जिसका नाम है ज्ञान मुद्रा, या तो फिर योग मुद्रा भी आप इसे कह सकते हो। दोस्तों, अब सबसे पहले जान लेते हैं कि ये मुद्रा क्या होती है। वैसे तो कई सारी मुद्राएं होती है, आपने नाम सुना है दोस्ततों एक्यूप्रेशर थेरेपी या तो फिर एक्यूपंक्चर। पूरी दुनिया में दोस्तों ये एक ऐसा साइंस है जो धूम मचा रहा है। इसे कहते हैं अल्टरनेटिव मेडिसिन, मतलब वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति। थोड़ा सोच कर देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि छोटे बच्चे को या किसी बड़े इंसान को जब कभी भी वोमिटिंग होता है, मतलब वोमिटिंग वो करने लगता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उनके पीठ पर हम लोग हाथ रब करते हैं, और जैसे हम लोग हाथ रब करते हैं उनको अच्छा महसूस होता है। तो दोस्तों, ये जो भी कुछ होता है ये होता है हमारे एक्यूप्रेशर थेरेपी की वजह से, या तो फिर हमारे हाथों में जो एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हमारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स से वो जो सामने वाला इंसान होता है उनके बॉडी को रब करते हैं, तो जो एनर्जी फ्लो होती है उसके कारण उनको अच्छा महसूस होता है। वैसे दोस्तों, एक साइंस है जो दुनिया में आज काम कर रहा है, स्पेशली अगर मैं बात करूं आपको चाइना की या तो फिर जापान की, वहां पर वही साइंस को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, या तो फिर इस अल्टरनेटिव मेडिसिन, इस वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति को वो बहुत ज्यादा वहां पर यूज करते हैं, जिसका नाम है दोस्तों एक्यूप्रेशर थेरेपी। हमारे यहां पर ये साइंस हमारे यहां का ही दोस्तों, प्राचीन भारत में ये साइंस बहुत ज्यादा डेवलप था, लेकिन हमारे यहां पर हम इसको इतना ज्यादा यूज नहीं करते जितना ज्यादा ये साइंस वेस्टर्न कंट्रीज में यूज किया जाता है। मैंने दोस्तों एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा किताब पढ़ा था जिसका नाम था सुपर ब्रेन योगा। इस किताब में उन्होंने बताया था विद द हेल्प ऑफ एक्यूप्रेशर थेरेपी, मतलब विद द हेल्प ऑफ जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, ये अलग अलग पॉइंट्स का यूज करके हम हमारे मेमोरी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, हमारे कॉन्सेंट्रेशन को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। वैसे इस किताब का प्राइस दोस्तों बहुत ही ज्यादा था जो मैंने पढ़ा था, लेकिन जब मैंने किताब पढ़ी तो मुझको पता चला ये सारी चीजें तो हम हमारे धर्म में ही दी गई थी, हमारे स्कूल में बचपन में ये सारी चीजें हमको सिखाई जाती थी। दोस्तों, थोड़ा सोच करके देखिए, जिस वक्त हम लोग छोटे बच्चे थे, जब हमें स्कूल में कोई पनिशमेंट किया जाता था तो हम लोग क्या करते थे, हमारे कानों को इस तरीके से हम लोग पकड़ते थे, राइट? और उस किताब में बताया गया है कि हमारे जो ब्रेन के पॉइंट्स हैं ये सीधे जुड़े हुए हैं हमारे कानों के लोब के साथ में, राइट? इसलिए देखो, बचपन में हम लोग क्या करते थे, जब कोई पनिशमेंट हमको मिलता था, अगर हम लोग पढ़ाई नहीं करते थे तो स्कूल में हमको क्या किया जाता था, हमको कान पकड़ने पड़ते थे और हम लोग उठक बैठक लगाते थे। और जो किताब के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, सुपर ब्रेन योगा, उसमें यही बताया गया है। उस किताब में दिया गया है दोस्तों कि सुबह उठने के बाद में 21 टाइम्स, मतलब कि 21 बार आपको अपने कानों को कुछ इस तरीके से पकड़ना है। मतलब हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि नॉर्मली हम लोग सीधा पकड़ते हैं तो आप सीधा नहीं पकड़ेंगे, आप उसको क्रॉस पकड़ेंगे। ओके, आपके हाथों के जो उंगलियों के जो लोब है, राइट, आपके थंब के लोब जो है वो ऊपर होंगे, आप उसको पकड़ोगे और 21 टाइम्स आप लोग उठक बैठक लगाओगे। दोस्तों, थोड़ा सोच करके देखिए, हमारे यहाँ पर भारत में पूरी तरीके से एक्यूप्रेशर थेरेपी यूज किया जाता है, बस हमको पता नहीं कि हम उसको यूज क्यों करते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि जितने भी कोई राजा महाराजा थे वो सभी लोग अपने कानों में बालियां पहनते थे, राइट? जैसे कि देखिए, मैंने भी बाली पहनी है दोस्तों, मतलब मैंने भी मेरे कान जो है वो गुंदाए हुए हैं। सिंपल सी बात है दोस्तों, हमारा जो राइट ब्रेन है उसका कनेक्शन हमारे लेफ्ट जो हमारा ईयर लोब है उसके साथ में है, और हमारा जो लेफ्ट हमारा जो ब्रेन है उसका जो कनेक्शन है वो हमारे राइट जो हमारा ईयर है उसके साथ में जुड़ा हुआ है, मतलब अक्रॉस द कनेक्शन है दोस्तों, एक दूसरे से वो जुड़ा हुआ है। इसलिए देखिए,
देखिए जितने भी कोई महिलाएं होती है वो सभी अपने कानों में बालियां पहनती है। इतना ही नहीं दोस्तों, हम सभी लोग हमारे हाथों में अंगूठियां वगैरह भी पहनते हैं, या तो हाथ में हम लोग कंगन पहनते हैं। लेडीज लोग जो होती है वो क्या करती है, कंगन पहनती है, या तो हो सकती है दोस्तों वो चूड़ियां पहनती है। और इतना ही नहीं, ज्यादातर महिलाएं आपने ऐसे भी देखी होंगी जो पैर जो होते हैं, पैरों की उंगलियां, उसमें वो बिछुए भी पहनती है। सिंपल सी बात है दोस्तों। अब मैं बात करता हूं एक्यूप्रेशर थेरेपी की। हमारे दोनों हाथों को मिलाकर हमारे हाथों की जो उंगलियां है ना, इसी में 36 एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स है। इसलिए देखिए हमारे यहाँ पर, हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म में हम लोग रेगुलर तालियां बजाते हैं, राइट? हम लोग रेगुलर तालियां बजाते हैं ना। ये सारी की सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये डेफिनेटली काम करती ही करती है। और जब भी हम लोग तालियां बजाते हैं तो ऐसा कहा जाता है, मॉडर्न साइंस कहता है, रेगुलर ताली बजाने से आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस 50-60% कम हो जाते हैं। इन सब के अलावा जिस वक्त हम लोग रेगुलर ताली बजाते हैं तो एक्यूप्रेशर के कारण जो हमारे पॉइंट्स प्रेस होते हैं उसके कारण एक एनर्जी का फ्लो होता है। जो लोग रेगुलर तालियां बजाते हैं वो कभी भी स्ट्रेस में नहीं जा सकते, वो लोग डिप्रेशन में नहीं जा सकते, उनको कभी भी एंजाइटी नहीं होता। अब आइए बात करते हैं दोस्तों कि हम लोग मेमोरी का साइंस यहां पर सीख रहे हैं, तो मेमोरी के लिए हमें कौन से एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स को प्रेस करना चाहिए, और उसके बाद में मैं आपको बताने वाला हूं कि ज्ञान मुद्रा कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, और कई बार हमारे इस सेशन में जिसका नाम है सुपर ब्रेन मेमोरी, जिसमें मैंने आपके साथ में एक बात डिस्कस की है कि हमारे जो हाथ होते हैं, हाथों की जो ऊपर की जो उंगलियां होती है, ओके, और इसके जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये जो मैं प्रेस कर रहा हूँ, ये सभी के सभी साइनस वाले पॉइंट है। साइनस वाले पॉइंट मतलब ये पॉइंट सीधे आपके ब्रेन के साथ में जुड़े हुए हैं। मतलब जब कभी भी आपको थोड़ा स्ट्रेस लग रहा है, आपका मेमोरी ठीक से काम नहीं कर रहा है, काफी सारे लोग होते हैं जिनका एक साइड का थोड़ा सर दुखता है, वो बस एक ही काम करे, बस उंगलियों को इस तरीके से प्रेस भी करे ना, तो भी उनका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। इतनी सिंपल सी बात है। वैसे हमारे हाथों में हर जगह अलग अलग पॉइंट्स है, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में उसमें नहीं जाऊंगा। आप चाहे तो YouTube के ऊपर या Google करके वो सभी पॉइंट्स के बारे में बहुत ज्यादा अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, या तो एक्यूप्रेशर के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी किताबें हैं, उसको पढ़कर भी आप इसका डिटेल में नॉलेज ले सकते हैं। अभी हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों कि एक्यूप्रेशर पॉइंट्स में हमारे काम की जो चीज है वो है योग मुद्रा। और पढ़ाई करते समय हम लोग क्या करेंगे, आज के बाद में हमारे हाथों में योग मुद्रा लेंगे। आप चाहे तो दोस्तों मांडी मार के बैठ सकते हैं, या आप अगर चेयर पर बैठे हुए हैं तो भी आप इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। तो योग मुद्रा या तो फिर ज्ञान मुद्रा लेने के लिए हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, हमारा थंब जो है, थंब को हम लोग जोड़ेंगे हमारे इंडेक्स फिंगर के साथ में या तो फिर तर्जनी के साथ में, और आगे की जो तीन उंगलियां जो है, बाजू की उंगलियां, वो हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से खुली छोड़ देंगे, तो बन जाएगा हमारा योग या तो फिर ज्ञान मुद्रा। अब दोस्तों नाम से ही पता चलता है ज्ञान मुद्रा, मतलब जब कभी भी आपको नॉलेज हासिल करना है, ज्ञान हासिल करना है, अगर आपकी भूख है कि आपको अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान हासिल करना है या तो फिर पाना है, तो हमें रेगुलर इस मुद्रा को करना जरूरी है। अब बात सामने आती है कि सर कितना समय करना चाहिए, आप कितना भी समय कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप दोनों हाथ में योग मुद्रा लेकर बैठ सकते हो और पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि योग मुद्रा जिस वक्त भी हम लोग लेते हैं दोस्तों, सीधे हमारे ब्रेन का जो स्विच है वो ऑन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों थोड़ा सोच कर देखिए, आप अभी जहां पर कहां पर भी बैठे हुए हो, वहां पर कोई ना कोई फैन तो होगा, वहां पर कोई ना कोई ट्यूबलाइट तो होगा। अगर आपको ट्यूबलाइट या फैन अगर ऑन करना हो तो आपको वो ट्यूबलाइट या फैन के पास में जाने की जरूरत नहीं है, हमको कहां जाना पड़ेगा दोस्तों, उसके बटन के पास में जाना पड़ेगा। एट द सेम टाइम दोस्तों हम लोगों को भी अगर हमारे ब्रेन को, हमारे मेमोरी को, हमारे कॉन्सेंट्रेशन को अगर ट्रिगर करना है, उसको ऑन करना है, तो हमें हमारे ब्रेन के पास में जाने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, एक्यूप्रेशर थेरेपी का यूज करेंगे। हम लोग ले लेंगे हमारे हाथ में ज्ञान मुद्रा या तो फिर योग मुद्रा, और उससे हम लोग हमेशा जब चाहे तब जो चाहे वो चीज पा सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको कॉन्सेंट्रेशन पाना है दोस्तों, तो योग मुद्रा का बाय प्रोडक्ट ही है दोस्तों कॉन्सेंट्रेशन। मैंने हमारे इस वीडियो पार्ट के फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था दोस्तों एंशियंट इंडियन मेमोरी टेक्निक, उसमें एक चीज थी जो बहुत ज्यादा जरूरी है, यहां पर मैं आपको बात बताता हूं दोस्तों। प्राचीन भारत में जो भी कोई गुरुकुल पद्धतियां थी, वहां पर गुरु शिष्यों को जो टेक्निक बताते थे वो एंशियंट इंडियन मेमोरी टेक्निक, जो मैंने आपको बताई थी वो टेक्निक तो थी ही, लेकिन उसके साथ ही में सबसे महत्वपूर्ण बात थी दोस्तों, उस वक्त जो भी कोई विद्यार्थी थे, मतलब जो भी कोई शिष्य थे, वो अपने हाथ में हमेशा योग मुद्रा लेकर हमेशा ध्यान करते थे, हमेशा पढ़ाई करते थे, और जो भी कोई पढ़ाई उन्होंने की है वो याद करते वक्त भी अपने हाथ में योग मुद्रा मतलब ज्ञान मुद्रा रखते थे और उसको याद करने की कोशिश करते थे। थोड़ा सोच कर देखिए दोस्तों, इस टेक्निक को मैंने हजारों स्टूडेंट्स के ऊपर इस्तेमाल किया है। इस टेक्निक से अगर आप पढ़ाई करते हो
चलो मान लेते हैं आप कोई राइटिंग वर्क कर रहे हो, तब आप अपने किसी एक हाथ में ले सकते हो। अगर आप राइटिंग वर्क नहीं कर रहे हो, आप किसी टेबल पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हो, तो आपने किताब सामने रख दी, आपके हाथ में आपने योग मुद्रा ले लिया और उसकी मदद से आप क्या कर रहे हो, केवल पढ़ रहे हो। ओके, तो आप देखो कि जो भी कुछ आपने पढ़ा है वो सीधे के सीधे आपके माइंड में उतर जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाएगा। और जब कभी भी आपको फिर से रिवाइज करना पड़ेगा तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, हमारे हाथ में योग मुद्रा या तो फिर ज्ञान मुद्रा ले लेंगे और उससे हमको पता चलेगा कि जो भी कुछ हम लोगों ने पढ़ा है वो जैसे कि वैसा हम लोगों को याद आ रहा है। क्योंकि दोस्तों इस टेक्निक का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इस टेक्निक की मदद से आपका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ता है, आपकी मेमोरी बढ़ती है। इनके अलावा जिनको प्रॉब्लम होती है कि उनको नींद नहीं आती, बहुत ज्यादा अटकलें आती है, रात को सो तो जाते हैं लेकिन सुबह उठने के बाद में उनको लगता है कि मेरी नींद ही नहीं हुई है करके, तो ये सारे प्रॉब्लम भी वहां पर सॉल्व हो जाते हैं। इसके अलावा जो लोग ज्यादातर डिप्रेशन में रहते हैं या ज्यादातर जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं, वो लोग केवल योग मुद्रा के मदद से ही डिप्रेशन या स्ट्रेस में से बाहर आ सकते हैं। इन सबके अलावा दोस्तों कई बार आपने ऐसे देखा होगा या तो फिर ऐसा सुना होगा या कई बार आपके साथ में ऐसा हुआ भी होगा कि आप किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, तुरंत उसका फोन आता है। आप कहते कि मैं बस आपके बारे में ही बोल रहा था या आपके बारे में ही मैं सोच रहा था और उनका फोन आ जाता है। या तो कई बार ऐसा होता है कि जो कोई शब्द आप बोलना चाहते हो वो कोई शब्द किसी जिस ग्रुप में आप बैठे हुए हो उस ग्रुप में कोई ना कोई वो शब्द कह देता है, तो हम लोग कहते हैं कि बस मैं भी यही बोलने वाला था। इसको कहते हैं दोस्तों टेलीपैथिक एबिलिटीज या तो फिर क्लेवर यांड, मतलब जो आप बोलना चाहे वो कोई सामने वाला बोल देता है, या तो फिर जिस किसी चीज के बारे में आप सोच रहे हो तुरंत किसी का फोन आ जाना जिसके बारे में आप उनकी याद वगैरह कर रहे हो। ये सारी की सारी चीजें, मतलब दोस्तों माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन, ये भी योग मुद्रा की मदद से होता है। इसमें मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा दोस्तों, क्योंकि मेरा एक स्पेशली प्रोग्राम होता है ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें मैं बहुत ज्यादा डिटेल में बताता हूं कि इस साइकिक पावर का हम लोग कैसे बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं। लेकिन यहां पर तो हम लोग केवल मेमोरी के लिए बात कर रहे हैं, तो उतना ज्यादा डिटेल में मैं आपको यहां पर अभी नहीं बता सकता। अभी बस यही बात सीखिए कि मेमोरी के लिए, कॉन्सेंट्रेशन के लिए, स्ट्रेस से दूर होने के लिए, डिप्रेशन से दूर होने के लिए, या तो फिर एक बार जो पढ़ा हुआ है उसे लंबे समय तक याद करने के लिए हम इन मुद्राओं का यूज कर सकते हैं। वैसे दोस्तों 10 से ज्यादा मुद्राएं हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्यारी मुद्रा है जो एक स्टूडेंट को पता होना जरूरी है उसी के बारे में मैं आपको आज यहां पर बता रहा हूं। तो हम लोगों ने आज क्या सीखा दोस्तों, आज हम लोगों ने सीखा है ज्ञान मुद्रा या तो फिर योग मुद्रा। आप चाहे तो मांडी मारकर, पालथी मारकर बैठ सकते हैं, या आप अगर चाहे तो चेयर वगैरह पे अगर बैठे हुए हैं तो भी आप अपने हाथ में योग मुद्रा ले सकते हैं। इस सबके अलावा दोस्तों किसी को भी आपको अगर अपनी बातों में कन्विंस करना है तब भी आप अपने एक हाथ में योग मुद्रा ले सकते हैं। और जो भी कोई बात आप कर रहे हो, आप मनी मन सोचेंगे कि मैं जो भी कुछ बोलूंगा सामने वाला वैसा ही करेगा, तो आप देखेंगे कि सचमुच वैसा भी होगा। लेकिन उसके लिए एक महत्वपूर्ण बात है, थोड़ी साधना लगती है, केवल पहली बार में ऐसा नहीं हो जाएगा। आप जितना ज्यादा दोस्तों अपने माइंड को शून्य में ले जा सके, मतलब जितने ज्यादा आप अपने माइंड को विचार शून्य ले जा पाएंगे दोस्तों, उतना ज्यादा योग मुद्रा या तो फिर ये ज्ञान मुद्रा आपको हेल्प ही हेल्प करेगा। दोस्तों कुछ रिस्ट्रिक्शंस है जिसके कारण मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में और चीजें तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन पढ़ाई के लिए कैसे इस्तेमाल करना मैंने आपको बता दिया। दोस्तों हमारे हाथों में एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स होते हैं, अगर आपको लगता है कि आपका माइंड ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा, या आपका कोई दोस्त है, आपके कोई बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा बुद्धू किस्म के हैं, जिनको जल्दी समझ में नहीं आता किसी बात को, उनको बार बार दोहराना पड़ता है, समझाना पड़ता है, तब जाकर उनको समझ में आता है, तो आपको दोस्तों इस टेक्निक को या तो इस मुद्रा को यूज करना जरूरी है। इन सब के अलावा हमारे जो कान होते हैं, कानों के लोब होते हैं, इसको भी आप सुबह शाम आप इसको प्रेस करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि सीधे ये आपके ब्रेन को ट्रिगर कर पाएंगे दोस्तों, जिससे आपका मेमोरी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा, आज हमने सीखा है योग मुद्रा या तो फिर ज्ञान मुद्रा टेक्निक। आज के बाद में जब कभी भी आप कोई भी पढ़ाई करेंगे, दुनिया की चाहे कोई भी पढ़ाई हो, इस प्रोग्राम को कौन देख रहा है ये मुझे नहीं पता, मे भी हो सकता है बच्चे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, बड़े देख रहे हैं, बुजुर्ग देख रहे हैं, स्टूडेंट देख रहे हैं, वो किसी भी प्रकार के स्टूडेंट हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों कि आप लॉ के स्टूडेंट हो, आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हो, आप मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हो, या आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हो, आप दुनिया की कोई भी पढ़ाई कर रहे हो। बस मैं कहना चाहता हूं आप रेगुलर इस टेक्निक को यूज करें, और इस टेक्निक के इतने सारे फायदे हैं दोस्तों, जब आप इस टेक्निक को यूज करेंगे ना तो इसके आपको मैजिकल परिणाम या तो फिर मैजिकल रिजल्ट मिलेंगे। तो हमें क्या करना है, जब भी कोई हम लोग पढ़ाई करते हैं तो हम लोग योग मुद्रा से पढ़ाई करेंगे। आप आपके एग्जाम हॉल में भी अगर चले जाते हो तो आपको क्या करना है, एक हाथ से आप पेपर लिख रहे हो, एक हाथ में अपने योग मुद्रा रखिए और क्वेश्चन का जो भी कोई आंसर है उसको याद करने की कोशिश करिए योग मुद्रा की मदद से, जो भी कोई आपने पढ़ा हुआ था उसको याद करने की कोशिश करिए, आप देखेंगे आपको जैसे के वैसे आंसर याद आएगा। दोस्तों ये टेक्निक बहुत ही ब्यूटीफुल सा है, आई होप आप इस टेक्निक को अच्छे से समझ ही गए होंगे। तो इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करिए, थोड़ा मेडिटेशन का भी इसके साथ में आप प्रैक्टिस करिए। जितना ज्यादा आप अपने माइंड को विचार शून्य कर पाए ना, विचार शून्य मतलब आप योग मुद्रा की मदद से ध्यान कर रहे हो और आपका माइंड बिल्कुल जीरो स्टेट में है, अगर आप ऐसा कर पाए तो दोस्तों मैजिक हो जाएगा।
दोस्तों जब कभी आप मेरे ट्रांसफॉर्मेशन वाले प्रोग्राम में आएंगे तो इस टेक्निक के और भी ज़्यादा एप्लीकेशन जो एक एडवांस लेवल पर होते हैं वहाँ पर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है आज के लिए, या आप अगर पढ़ाई करते हो तो उसके लिए, अभी तक जो मैंने आपको बताया है इस टेक्निक के बारे में वो बहुत ज़्यादा है दोस्तों। आई होप इस टेक्निक को आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसकी प्रैक्टिस करिए, इसको यूज़ करिए दोस्तों। ये टेक्निक डेफिनेटली आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगी ही करेगी। तो दोस्तों आप करिए प्रैक्टिस, मैं आपसे मिलता हूँ हमारे वीडियो सीरीज़ के एक और नए पार्ट में। तब तक के लिए keep practicing।